आप सभी को प्रणाम हमारे इस नए व्लॉग में। और आज हम अपनी जो नई गाड़ी लाए हैं महिंद्रा थार ऑटोमेटिक, उसको अपने जो नज़दीकी देवस्थान है जैसे कि धोपाप धाम हो गया, जनवारी नाथ हो गया और गौरी शंकर धाम हो गया, जो हमारे इस क्षेत्र के नज़दीकी धाम है, उन सभी को कवर करेंगे और सभी का दर्शन करेंगे और अपनी गाड़ी को भी दर्शन करवाएंगे। तो भैया आप मेरे साथ थार में आ जाइए और ड्राइवर साहब मुझे फॉलो करिएगा, ठीक है? और जैसा कि आचार संहिता लागू है, कोई हूटर का प्रयोग नहीं करेगा और सारा काम सिस्टमेटिक किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी अम्मा से। इनका ये काम है कि भाई जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये तुरंत पानी लेके पहुंच जाती है और एक बोतल पानी देंगी और पानी पिलाएंगी भी कि भाई घर से पानी पीते हुए निकलो और रास्ते में कहीं प्यास लगेगी तो पानी वानी दे देती हैं। मतलब अम्मा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गंगा माँ को प्रणाम करके निकलना चाहिए, अम्मा का मतलब ये है। तो चलिए निकलते हैं, अब लेट भी बहुत हो रहा है। हम निकल ही रहे थे अपने घर से और तब तक जो मेरे भाई हैं जिनका घर कामतागंज में है, मतलब मेरे मित्र ही हैं और फॉलोअर भी हैं हमारे, और हमारी कोई दोस्ती पुरानी नहीं थी, हम ऐसे ही मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्त बन गए, तो आ गए हैं। आदर्श भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, आदर्श इतना कष्ट करने के लिए तुम हमेशा मिलने आ जाते हो और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि जब मैंने समय दिया तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं इनको समय नहीं दे पाता हूँ या मेरे किसी भी फॉलोअर या सब्सक्राइबर या मेरे भाइयों को जब मैं समय नहीं दे पाता हूँ तो वाकई में यार दिल से कष्ट होता है। तो आदर्श भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, फिलहाल तो मैं जल्दी में हूँ और आगे भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, उनको भी लेना है और मिलना है उन लोगों से, तो मैं माफ़ी चाहूँगा आदर्श भाई। बाकी कम तक जाऊँ हम तो मिले, ठीक है? और बाकी यार क्योंकि हमारे भाई हैं समझते हुए। भैया अपना नाम क्या है? आदेश। क्या बात है, क्या बात है मिश्रा जी, क्या बात है। चलिए यार बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी दूर से मुझसे मिलने आए। काम तो पक्की रोड पे साइड दीजिए भैया, गाड़ी धीमा चलाइएगा, किसी भी बाजार में फास्ट स्पीड मत रखिएगा, ठीक है? ओके। दो ही लोगों के लिए तो गाड़ी होनी चाहिए, बाकी बारात बैठा क्या मतलब, वो चाचा वाला चाचा कर। साथियों पहले हम दर्शन करेंगे मरी माँ का। ये जो धाम है मरी माँ का, ये बहुत ही प्राचीन है और हमारे गांव की मतलब माँ है। यहाँ पे अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो पूरा ईंट वगैरह गिरी हुई है और यहाँ पे पूरा निर्माण हमारे ही ग्रामवासियों द्वारा करवाया जा रहा है। और ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, यहीं पर हमारी मरी माँ की उपस्थिति है और जब भी हम लोग कहीं निकलते हैं किसी शुभ काम के लिए या कहीं के भी लिए तो हम मरी माँ का दर्शन जो है जरूर करते हैं। हमारे गांव की मतलब समझ लीजिए कि कुल देवी है माँ हमारी, ठीक है? तो पहले यहाँ दर्शन कर लिया जाए वरना माँ नाराज हो जाएंगी कि दूर दूर तो जा रहे हो दर्शन करने, हमारे पास आए। अरे यार ऐसी बात नहीं है, विकास भाई का आभार है हमारा यार, जितना चुनाव हम लोग लड़ते हैं उसमें विकास भाई की अहम भूमिका रहती है। और आप समझ लीजिए कि कहीं पे भी एक फोन कर दें, कम से कम 1000-1200 लड़के कहीं नहीं गए, एकदम पूरा गाँव भर जाएगा लड़कों से, क्यों नहीं? अगर आप आए हैं, पूरा विधानसभा हमारा क्षेत्र ही नहीं है, हमारा परिवार है, आप कभी भी आइए हमारी तरफ। तो मतलब आप अगर हम हैं हम वहाँ पे, लेकिन नहीं है तो भी स्वागत होगा भाई, हमारे बिना होगा, अगर हम हैं तो हमारी पूरी पलके बिछी रहेंगे आप लोगों के स्वागत में। बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये मुलाकात यादगार रहेगी और हमेशा हम लोग जब भी विकास भैया के आएंगे तो आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि सभी लोग। हार लेने बहुत बहुत बधाई, पत्रकार अमन पांडे स्टेटस लगाए रहे हम कहे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अभी गौरी शंकर धाम पहुंच गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम हमारे सारे सभी भाई लोग एकदम पूरे जश्न के साथ आज मिले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है भाइयों, सभी बहुत बहुत धन्यवाद यार सभी लोगों का, आप लोगों का। तो प्रणाम प्रणाम भाई प्रणाम। अच्छा एक चीज़ और है, किसी को भी पहले से कोई ऐसी खबर नहीं थी कि हम यहाँ पे आने वाले हैं, तो इन लोगों ने मतलब बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड प्यार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है भाइयों। तो चलते हैं बाबा के दर्शन करते हैं, हमारे गौरी शंकर बाबा, बाबा महादेव भगवान।
तो यहाँ पर ये हमारी गोमती माँ है, गोमती नदी, इसी के किनारे पर ये गौरी शंकर धाम स्थित है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे हमारे आसपास के जितने ज़िले हैं, प्रतापगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, उधर मतलब आप समझ लीजिए कि आसपास के जितने ज़िले हैं सभी में बहुत प्रख्यात मंदिर है और बहुत अच्छा लगता है। इतना बढ़िया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है यहाँ पे अभी, और बाकी हम दर्शन करने मेन मंदिर में आपको लेके चले। विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपका इतना अच्छा दर्शन करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद यार। पीछे बैकअप देंगे हमको राघव भैया और माननीय आदित्य जी, हमारे परम मित्र लंबुआ के साथ ही हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई, माफी चाहते हैं यार, माफी चाहते हैं बहुत लेट हो गए, आप जब ये व्लॉग देखेंगे तब पता लगेगा इसे लेट क्यों हुए यार, इतने लोग घेर लेते हैं हर जगह पे, तो इस वजह से उनको भी समय देना बहुत जरूरी होता है, तो इस वजह लेट हो गए यार, कोई बात नहीं। यहाँ से कहाँ का प्लान रखा था? पहले मंदिर चले जनवारी नाथ बाबा, बाबा जनवारी नाथ धाम हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। थोड़ी देर वो कौन सी वाली भाई साहब? ठीक 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 बहुत बढ़िया। No time for the pain, let the grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life, I never miss that fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the room, I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to fail, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है यार। बात कर लो उनसे, जैसा है ये कुछ बताइए, यहाँ पर ये मंदिर कब से है और क्या मान्यताएं हैं यहाँ पर, कैसे ये मंदिर बना, लगभग कितने साल पुराना मंदिर हुआ है? मेरे को तो लग रहा है कि जैसे जो यहाँ पर सुनने में आता है कि राम भगवान यहाँ आए थे और वो मतलब जब अयोध्या लौट रहे थे रावण का वध करके श्रीलंका से, तब यहाँ पर राम भगवान आए थे, तो यहाँ पर क्या मतलब स्नान वगैरह किया था? स्नान किए थे यहाँ पे, अपना पाप धुले थे यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब एक तरीके से जो वहाँ वध किए थे वो पाप यहाँ गोमती नदी में आकर वो धुले थे। जी 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 जी, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। हाँ हाँ, दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं गोमती मैया के, क्या बात है, माता रानी का आशीर्वाद इसी प्रकार से हम सभी लोगों के ऊपर बना रहे। हम सभी लोग चलते हैं दर्शन करते हैं, मानना पड़ेगा, बहुत ही शांति है, एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। आते रहना चाहिए यार भैया, हम लोगों की गलती है कि हम लोग लगातार नहीं आते, मतलब बहुत बहुत दिन के अंतराल में आते हैं। आप सभी लोगों को मैंने करवाया हमारे यहाँ धोपाप धाम का दर्शन, जो कि वाकई में एक दिव्य स्थान है। जैसे ही हम लोग एंटर किए तो आत्मा जो है वहाँ से मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि यार वाकई में बहुत बेहतरीन जगह आ गए, मतलब एकदम शुद्धता का एहसास होता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर होती है तो आपके अंदर से निकलने लगती है और आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना दिव्य दर्शन करवाने के लिए, जनवारी नाथ बाबा का और धोपाप का। तो सुबह सुबह हम लोग गौरी शंकर धाम भी गए थे, जो कि वीडियो जो जो देख रहे हैं उनको पता है आप नहीं थे उस समय पे, वो चांदा में स्थित है और ये दोनों धाम लंबुआ में स्थित है, धोपाप भी और जनवारी नाथ बाबा। तो अगर आप लोगों का कभी भी हमारे यूपी 44 में सुल्तानपुर में आगमन होता है तो आप लोग जरूर इन स्थानों का, इन जो ये जो धाम है इनका दर्शन करें, क्योंकि इनकी जो दिव्यता है और जो इनकी प्राचीनता है वो जब आप यहाँ आएंगे तभी आपको जानकारी हो पाएगी। तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर समापन, और आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत,
भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।